हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, सर्बिया की कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया में अगर आप एक साल या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है और अच्छे देशों में माइग्रेट करने के लिए। आने वाले समय में सर्बिया का खुद का भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, राइट। ऑलरेडी जो है एक पीसफुल वेल डेवलप्ड कंट्री है, काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आप लोग हमेशा की तरह, आपको पता है, कॉन्ट्रामेंटस पर जो हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ही बात होती है और जेन्युइन वीज़ा की बात होती है, राइट। अब आप लोगों ने इस ब्लॉग को जरा ध्यान से समझना है और आगे तक देखना है, तभी आपको बात क्लियर होगा, राइट। देखिए, इस ब्लॉग के अंदर मैं सर्बिया की मल्टीपल ओपनिंग्स जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, पहले कुछ ऐसी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मल्टीपल प्रोफाइल्स की हैं और उसमें पैन इंडिया से किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी का व्यक्ति, मतलब कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है। तो पहले हम ऐसी वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैरिड कपल चाहिए एक फार्म हाउस को केयर टेकर के लिए। देखिए, फार्म हाउस है, आप समझ गए, जहाँ पर कैटल फार्मिंग हो सकता है, थोड़ा सा गार्डनिंग का काम हो सकता है, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा क्लीनिंग डस्टिंग का काम होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, हस्बैंड वाइफ जो ऑन पेपर्स हस्बैंड वाइफ हैं वो लोग माइग्रेट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति जो है आवेदन कर सकता है। तो पहला क्या है, मैरिड कपल, राइट। सैलरी भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ ही साथ। देखिए, आपको पता है एज सच तो सर्बिया में जो सैलरी है वो सर्बियन दिनार है, वहाँ का लोकल करेंसी, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर USD में सैलरी बता रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको यूरो में भी बता सकता था, बट फिलहाल के लिए हम USD में सैलरी को समझ लेते हैं, US डॉलर्स में समझ लेते हैं, ठीक है। मैरिड कपल को जो मिलेगा वो 500 प्लस 500, ठीक है, यानी कि पति पत्नी दोनों को मिला के $1,000 मिलेगा। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए दोस्तों, $600 मिलेगी पगार प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर को, जिसको प्रिंटिंग मशीन चलानी आती हो। अब नेचुरली ये जो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर है ये तो फार्म हाउस में नहीं काम करेगा, ये प्रिंटिंग मशीन की जो कंपनी होगी वहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा टायरमैन चाहिए, टायरमैन को $500 मिल रहा है, इनका एक्सपेंडिचर भी काफ़ी कम रखा हुआ है हमने। इसके अलावा पावर कोडेड स्प्रे पेंटर, स्प्रे पेंटर हमें चाहिए लेकिन जिसको पावर कोडेड स्प्रे का एक्सपीरियंस हो। सैलरी है यहाँ पर $600। HVAC टेक्नीशियन दोस्तों, जो लोग सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वाले हैं वो लोग बड़ा इंतजार करते हैं इसका। तो HVAC टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है सर्बिया के लिए, सैलरी है $550, $550। क्लियर हुआ। रहना खाना फ्री है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आसानी से वीज़ा स्टैम्प होता है, बस आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए, काम आपको जनरली आना चाहिए। तो ये तो थी वैकेंसीज जिनमें पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब मैं इसके अलावा आपको जो वैकेंसी बताने जा रहा हूँ ये है होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन ध्यान रहे, इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयर का ऐसा बोलना है कि इनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या साउथ इंडियन स्टेट्स से ही लोग चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे भारत के जिस क्षेत्र से भी चाहिए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग सुन लें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो साउथ इंडियन स्टेट्स के कैंडिडेट होंगे उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा इन पर्टिकुलर ओपनिंग्स के लिए, कौन सी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो बताई हैं उनके लिए तो पूरे भारत में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैं होटल इंडस्ट्री की वैकेंसी बताने जा रहा हूँ उसके लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया, जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ के लोग ही सिर्फ आवेदन करें। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं दोस्तों होटल इंडस्ट्री की, कॉन्टिनेंटल कुक, असिस्टेंट कुक, डिश वॉशर और किचन हेल्पर। सैलरी बता देता हूँ, इसके अलावा लार्ज साइज पिज्ज़ा मेकर भी है। तो पिज्ज़ा मेकर और कॉन्टी कुक की तो सैलरी है $600, ठीक है। अगर आप पिज्ज़ा मेकर में जाएंगे या फिर आप कॉन्टी कुक में जाएंगे तो आपका सैलरी कितना है, $600। नाउ अगर आप असिस्टेंट कुक में जाते हैं तो आपकी सैलरी है $475। अगर आप डिश वॉशर में जाते हैं तो आपकी सैलरी है $450 और किचन हेल्पर में जाते हैं तो $450। वंस अगेन आई विल रिपीट, आई विल समराइज इट इन इंग्लिश बिकॉज यू नो देर मे बी फ्यू इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु मे नॉट बी वेरी फेमिलियर विद हिंदी, ओके। सो सी, फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी वैकेंसीज विच आई टोल्ड यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ब्लॉग, वी नीड पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, वेर एज ऑल अदर वैकेंसीज राइट वी need people from any part of India, like anybody from anywhere can apply in rest of the vacancies. Do not forget to subscribe my channel, do not forget to hit that bell button, right? आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है एक भारत सरकार से रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, राइट। ऑल दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू गाइज दैट वी आर गवर्नमेंट ऑथराइज ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी, ऑल राइट।
वर्किंग आवर्स में आपको हमें कॉल करना है, हमारे वर्किंग आवर्स हैं 10 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे। गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल अस ओनली इन द वर्किंग आवर्स, आर वर्किंग आवर्स आर 10 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे। आर रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन दिल्ली, ओके, एंड आर स्किल्स डेवलपमेंट ऑफिस इज इन देहरादून उत्तराखंड। स्टे इन टच। YouTube के अलावा हमारा टेलीग्राम पर भी एक ऑफिशियल चैनल है जो कि कॉन्ट्रा मेंटर्स ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करते रहें। अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्लोवेनिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में। जितने भी ब्लॉग्स मैंने पिछले कुछ दिनों में शेयर किए हैं उन सब पर काम हो रहा है। अगर आप किसी और कंट्री या किसी और प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, चाहे वो गल्फ का देश हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। हम लोग आपका नंबर, आपका डेटा अपने पास सेव कर लेंगे, जब आपके लिए कोई काम आएगा तो हम खुद से आपको कॉल करके बताएंगे। इसके अलावा अच्छा ये होगा कि आप हमें टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर रेगुलरली फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।